नागपुर संभाग में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए 3 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिससे इस योजना के प्रति नागपुर की महिलाओं का रुख साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नागपुर संभाग के 6 जिलों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए आवेदन किया है। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्य भर के संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, जिला परिषद CEO और NMC आयुक्त ने भाग लिया है। कुछ ही दिनों में एक समर्पित वेब पोर्टल के लॉन्च से पंजीकरण प्रक्रिया में और तेजी आएगी। साथ ही सभी सहायता केंद्रों पर योजना का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। 11 जुलाई तक कुल 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें संभाग के नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, भंडारा और गोंदिया जिलों में 75,499 ऑनलाइन और 2,25,000 ऑफलाइन पंजीकरण शामिल है। नागपुर जिला में 1,08,000 आवेदनों के साथ सबसे आगे रहा और उसके बाद गढ़चिरौली 1,05,000 आवेदनों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नागपुर और चंद्रपुर में नगर निगमों में 32,435 आवेदन आए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योजना के लिए निर्बाध आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने किसी भी कदाचार या देरी, विशेषकर रिश्वत से जुड़े मामलों को खत्म करने पर जोर दिया है। NBC न्यूज के लिए मनीष डिमरी की रिपोर्ट।